अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हलीम बनाने का तरीका बताऊंगी। हलीम बनाने के लिए मैं ले रही हूं 'शान का शाही हलीम मिक्स। डब्बे में दो पैकेट होते हैं, एक दालों का और दूसरा पैकेट मसाले का। पैकेट के दालों के अलावा मैं इसमें डालूंगी आधा कप चनों की दाल, आधा कप मसूर की दाल, आधा कप चावलों का और पौंड व्हील का गोश्त। दरमियाने साइज के प्याज को आप काट लें। 15 लहसुन के जवे। मसाले जो हम लेंगे वो है नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पीसी हुई 1/2 टीस्पून और शान मसाला। सबसे पहले शान शाही हलीम मिक्स की दालों वाला पैकेट को एक पतीली में डाल लेंगे और इसके अलावा हम दालों में चनों की दाल, मसूर की दाल और चावलों को डालकर 5-6 घंटे के लिए भगोकर रख देंगे। पाँच छः घंटे के बाद दालों को उबालने के लिए रख दें। जब दालें उबलने लग जाएं तो उसमें आप शान शाही मसाला का आधा पैकेट डाल दें और तब तक दालों को पकाएं जब तक दालें अच्छी तरह गल ना जाएं। जब दालें गल जाएं तो उसको अच्छी तरह बीट कर लें। दूसरी तरफ प्रेशर में व्हील का गोश्त को डाल लें, फिर उसमें प्याज, लहसुन, नमक, लाल मिर्च पीसी हुई और 3 कप पानी के डालकर गोश्त को 5 मिनट के लिए पकाएं। फिर इसमें हम आधा पैकेट शान शाही मसाला डालकर 10 मिनट के लिए प्रेशर को बंद कर देंगे। दस मिनट के बाद हम प्रेशर को खोल देंगे। अब देखें गोश्त अच्छी तरह गल गया है। इसमें हम ऑयल डालकर गोश्त को अच्छी तरह भूनकर बीट कर लेंगे। Thank you.
بیٹ کرنے کے بعد ہم گوشت کو دال میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم حلیم کو تڑکا لگائیں گے۔ ایک فرائی پین میں تھوڑا سا آئل اور پیاز کو ڈال کر پیاز کو براؤن کر لیں گے۔ جب پیاز براؤن ہوتا ہے تو اس کو حلیم میں ڈال دیں۔ اب حلیم تیار ہے۔ اللہ حافظ۔